बड़ी ठंड नहीं है कि देखो यहाँ पर बंदे आज सेक रहे हैं। हो चुके बाहर, बाकी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ गाड़ी की। फटना यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो में शेयर करोगी, जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन है ना वो यूट्यूब ने वापस छीन लिया, मैंने बंद कर दिया उसको। सब गाइस की हाल चाल, तो आ गए न्यू व्लॉग में। तो आज हमारे जो भाई हमारे पुलिस ऑफिसर साहब हमारे युवराज जी, तो भाई भी चालू कर रहे चैनल वगैरह बनाना अपना यूट्यूब का, तो बहुत जल्द लिंक डाल देंगे भैया के चैनल, मतलब अपने चैनल भैया के चैनल के लिंक अपने चैनल में। बस एक बेकार दिक्कत सीन ये हो गया कि भाई जो मेरा जो चैनल है ना यार, उसमें यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया है कि आप वीडियो नहीं डाल रहे और अपनी पुरानी वीडियो जो है उसमें व्यूज आने भी बंद हो गए, तो आप अपने चैनल को एक बार ढंग से एडिट करो। उन्होंने मोनेटाइजेशन मतलब छीन लिया है हमारा। तो मैं यूट्यूब से ये अपील करूंगा कि यार कोशिश तो कर ही रहे, डाल ही रहे धीरे धीरे, आई होप सो डालते भी रहेंगे, क्योंकि अपन को टाइम भी नहीं मिलता। भैया का आज कॉल आ गया था, तो भैया कह रहे थे कि यार आज अपनी गाड़ी को ना वॉशिंग कराने चलते हैं। तो मैं कहा चलते हैं वॉशिंग कराने, की भाई राजस्थान से यहाँ पर आए हुए, इनके ना यहाँ पे ट्रांसफर हुआ हुआ है, इस चक्कर में इनको पता नहीं है। तो मैं कहा चलते हैं, सुबह सुबह का टाइम है तो जल्दी फटाफट वॉश करवा के भी ले आएंगे। तो पहले गाइस मैं ड्यूटी से मिलवा दूं आपको अपनी। सो गाइस ये रही हमारी ड्यूटी और ये हम दूध पी रहे, बट ये दूध अब हम पियेंगे नहीं। चिकू दूध पिएगा, पिला दो भैया जल्दी 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 जल्दी। तो भाई एक दूध है, दो जने लड़ने वाले, एक सेकेंड लो जी अब ये पी लेगा दूध मजे से। नाम लिख दिया यार, नाम नहीं लिखना चाहिए गाइस। इसने इस लड़के ने बात तो ठीक था, इसने यहाँ पे देखो लिख दिया नाम तो जल्दी टिश्यू पेपर ले गया, इतना ही प्यार आ रहा था, क्या करा यही वॉश कर दो बस। गाड़ी देखो अंदर से पूरी मतलब गंदगी पड़ी है, देखो ये देखो, एक तरीके से हमारे भैया का चलता फिरता छोटा घर है, अंदर पीछे पूरे कपड़े रख रखे हैं। यहाँ पे कहीं भी जाना होगा यहीं से कपड़े चेंज कर लेंगे, यहीं से चले जाएंगे भैया कहीं भी, जैसे पार्टी में जाना आज या कहीं भी। आज तो आपको कहीं जाना है शायद, तैयार व्यार हो गए बैठे हो, यहीं से भैया यहीं से कपड़े निकाले भैया ने। और सुबह सुबह कॉल आ गया कि यार एक बार गाड़ी वॉश कराने चल रहे हैं, मेरे को पता नहीं यहाँ पे। मैंने कहा पास में चलते हैं, तो मैं भी थोड़ा हवा खा लूँ, घर में पड़ा रहता हूँ, तो मैंने कहा आ जाता हूँ यार एक बार। तो यहाँ से भी हम निकल रहे हैं अपना मदनगिरी की तरफ, क्योंकि गाड़ी जो हमारी वहीं पे वॉश होती है। तो आप देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम है और ठंड भी बहुत ज्यादा। और सुनाओ भैया कैसे हो? और सब बढ़िया, आप बताओ? बस बढ़िया। आपके ब्लॉगिंग कैसे चल रहे है? अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया भैया ने, हमारा तो चलता फिरता छीन लिया यूट्यूब ने। आप ना अपना वॉशिंग का काम होएगा, ठीक है, अंदर बाहर पूरी बढ़िया वॉश कर देगा वो। दूसरी चीज ये जो आप ये चढ़ाने की कह रहे हो ना, वहाँ पर पता कर लेंगे, नहीं तो इसके लिए ना आपको स्टेयरिंग जो कवर है इसको चढ़ाने, ये जो स्टेयरिंग कवर है ना इसको अगर आपको चढ़ाना है तो आपको करोल बाग जाना पड़ेगा, तो वहाँ आप जाएंगे नहीं इतनी दूर, कवर वाला तो उधर भी होगा ना। सो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं मदनगिरी मार्केट में, एंटर कर चुके हैं। अभी भाई को गाड़ी दिलवानी, भाई टेंशन में कह रहे भाई जिस काम के लिए आए वो काम हो जाना चाहिए, नहीं तो सामने वाले की गोली मार देंगे। कहाँ पे भैया बोला तो सही, वो देखो अभी जो ये रिक्शे वाला देख रहे हो एकदम से इसने ओवरटेक करा है यहाँ पे, अभी इसमें डेंट आ जाता साइड से। भैया कह रहे जो काम कराना है वो तो हुआ नहीं, एक्स्ट्रा काम और लग गया, एक डेंट और यहाँ से राइट ले लेना अंदर। अरे ये छोटा करोल बाग है, छोटा करोल बाग है, ये अपना काम हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। यहाँ से सीधा पहुंच जाएंगे लेफ्ट साइड में अपनी भाई वॉशिंग मार्केट है, ठीक है, कार वॉश कराएंगे अपनी, कार क्या बाइक भी वॉश होती है यहाँ पे। तो पता है भैया आपको ओला उबर भी कोई करता है ना, बोलता है मैं दक्षिणपुरी जाना है, ओला उबर वाले भी कैंसिल कर देते हैं, इतना ऐसा इलाका है। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं मदनगिरी मार्केट में। ये देखो ये रही हमारी वेन्यू, कंडीशन देखो आप, बताओ तो ये वेन्यू का बेस मॉडल है, स्टील इसमें लगा हुआ है, ठीक है, अलॉय अलॉय वेल नहीं है, स्टील है ये, बेस मॉडल में ऐसे आता है। तो अब इसकी पूरी अंदर बाहर से वॉशिंग करवा लेते बड़े तरीके से, भाई देखो कितनी बड़े तरीके से आग सेक रहे हैं, भाई गाड़ी देखो कितनी गंदी हो रही है। हाँ ये चीज निकाल लो, ये काम की चीज है, ये कहीं नहीं जानी चाहिए। गाड़ी चलता फिरता घर देखो, देखो ये चीज अलग ही रखी है, देख रहे हो स्टाफ वाली है, हाँ बहुत साल हो गया, ये पॉलिश है, बढ़िया कर देना अंकल। तो भाई और ये क्या ठंडा, ये तो मिलेगा ही पुलिस वालों की गाड़ी में है, ये देखो गाइस गंदा नहीं हो रहा है, ठंड तो नहीं है कि देखो यहाँ पर बंदे आग सेक रहे हैं हमारे युवराज भाई। तो युवराज भाई कैसा लग रहा है, गाड़ी धुल रही है आपकी? अच्छी हो जाएगी अभी तो, बढ़िया। बाकी इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम है वो भी करवा लेंगे थोड़ा सा। सो गाइस ये देखो शैम्पू वगैरह लग रहा है इसमें, भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। 350 रुपए में क्या ही लोगे भाई, जान लोगे क्या, यही अगर हम अंदर करवाते हैं ना कंपनी में सूखे सूखे वो 600 रुपए ले लेते आराम से। अब इन्होंने अंदर बाहर पूरे बढ़िया तरीके से शैम्पू वैम्पू लगा के पूरी गाड़ी दी है, देखो क्या चमक रही है, अभी इसमें पानी लगेगा ना पूरी ओके हो जाएगी। अभी पहले वॉश हो जाए अंदर बाहर से, फिर अच्छे से दिखाते हैं तरीके से भाई ने गाड़ी धोई हमारी। ये लो जी लग गया पानी गाड़ी में, ये देखो अब पुलिस का लोगो देखो कितना प्यारा चमकेगा, ये देख रहे हो, ये धुल गई गाड़ी पूरी। पर कुछ भी कहो भाई गाड़ी बहुत प्यारी धोते हैं। एक बार मेरा ही दोस्त मेरे को कहीं लेकर गया था, मुझे पता है यहाँ गाड़ी धुलती है, मेरा दोस्त ऐसी जगह लेकर गया 550 रुपए मैंने गाड़ी धुलवानी ली, उसने मेरे को ही कटवा दिया। और अगले भाई अगली बार क्या कहता है बंदा, मैं नहीं आऊंगा अगली बार यहाँ पे, मतलब साले मुझे तो कटवा दिया तूने, बोला मैं यही आ रहा था गाड़ी धुलवाने का। तो दोस्तों कभी नहीं सुननी चाहिए भाई, सुनो सबकी, करो अपनी चमक गई गाड़ी अपनी।
So guys, जैसे कि अभी गाड़ी वॉशिंग वगैरह हो गई है तो अभी पहुंच चुके हैं बाहर। बाकी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूं गाड़ी की, इस तरीके से वॉशिंग हुई है, बढ़िया, बिल्कुल ओके धो दी है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है मतलब गाड़ी में। देखो पहले यहां थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है ना, यहां से निकाल लिया यार गाड़ी में। गाइस भैया से पूछते हैं क्या, भैया कैसी लगी आपको वॉशिंग गाड़ी की? बढ़िया, एकदम मस्त सही हो गई, बढ़िया पॉलिश वॉलिश हो गई गाइस, पूरी देख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूं गाइस, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं गाड़ी का लुक दिखा देता हूं, और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यार फटाफट ना यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन है ना वो यूट्यूब ने वापस छीन लिया, मतलब बंद कर दिया उसको, बिकॉज मैं वीडियो नहीं डाल रहा था इस चक्कर में। तो अब यूट्यूब कह रहा है कि भाई वीडियो डालो, अच्छी अच्छी वीडियो डालो, और जो आपकी पुरानी वीडियोस में व्यूज आने बंद हो गए थे ना उसको डिलीट कर दो, ये मतलब पॉलिसी आई मेरे पास। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो बस आपको काम ये करना है कि शेयर करना, दबाकर कमेंट करना है आपको। गाइस अभी तो अपने को देखो मंदिर भी जाना है, ठीक है, ट्यूसडे है। सो गाइस फटाफट, ये रहे हमारे युवराज भाई। तो भाई कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? वीडियो बहुत बढ़िया था, बढ़िया एकदम मस्त अच्छी। गाइस मैं दिखा देता हूँ गाड़ी किस तरीके से धुली है, ठीक है, इसके बाद व्लॉग को अपन एंड करते हैं। सो गाइस अभी बाहर उतरते हैं गाड़ी से, और मैं आपको दिखा देता हूं एक बार बढ़िया तरीके से पॉलिश वगैरह हो गई अपनी गाड़ी की, आप बाहर से देख सकते हो इसका लुक। बाकी वेन्यू गाड़ी को हम कह सकते हैं स्विफ्ट की बड़ी बहन, क्यों? स्विफ्ट की बड़ी बहन। इधर बाहर पूरा काम हो गया गाड़ी का, ये तरीके से धो दी भाई। बाकी भाई ने कोई मॉडिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ करा नहीं रखा, बिल्कुल स्टॉक है, कुछ नहीं है। बाकी गाइस मिलते रहेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन करो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। युवराज भाई, हो गया ज्यादा शेयर करना है। ओके भाई।